तो भाई साहब, आप अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाले हैं और इसलिए आप दुकान पे भी गए थे, लेकिन वहाँ पे आपको सीसीटीवी का दाम बहुत ही ज़्यादा मिला है ना। लेकिन अगर आप सीसीटीवी को ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको सीसीटीवी कॉम्बो सेट आपको बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा। जैसे कि अमेजन पे सीपी प्लस का कॉम्बो सेट आपको मिल जाता है 6500 रुपीज के अंदर, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज का जो वीडियो है वो है हिक विजन का। सीपी प्लस की तरह हिक विजन भी बहुत ही अच्छा ब्रांड है। तो आज का जो कॉम्बो सेट है उसका दाम है सिर्फ 6150 रुपीज। जी हाँ, और उस प्राइस में आपको हिक विजन का कॉम्बो सेट मिल रहा है। तो देर ना करे, आज ही ऑर्डर करे। और इस कॉम्बो सेट को खरीदने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से आप खरीद लीजिएगा। लेकिन इंस्टॉलेशन का क्या, क्योंकि सीसीटीवी को खरीदने के बाद उसको लगाना भी तो पड़ेगा, और लगाने के लिए मतलब इंस्टॉलेशन के लिए आपको टेक्नीशियन का हेल्प लेना पड़ेगा। और टेक्नीशियन चार्ज करते हैं 300 रुपीज़ से 500 रुपीज़ के अंदर। लेकिन अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप खुद ही इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज़। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस कॉम्बो सेट का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये देखिए, ये रहा हिक विजन का कॉम्बो सेट जिसको मैंने 6000 रुपीज़ में खरीदा है। तो इसी के अंदर सभी कुछ है, एक सीसीटीवी के लिए जो भी जरूरी होता है सब कुछ है, डीवीआर, एसएमपीएस, वायर, कैमरा, हार्ड डिस्क सभी कुछ है। तो सिर्फ आपको इसको खरीदना है और इंस्टॉल करना है। तो चलिए अभी इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए, आपके सामने ही अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, जैसे कि ये हो गया एसएमपीएस, सीसीटीवी कैमरा, पावर सप्लाई, तो इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद ये हो गया ये आउटडोर बुलेट कैमरा। उसके बाद सबसे जो जरूरी चीज, हार्ड डिस्क, ये हो गया 500 GB का सीगेट का हार्ड डिस्क। और ये कोई पुराना हार्ड डिस्क नहीं है, ये नया वाला हार्ड डिस्क है। और इसी के वजह से सीसीटीवी का दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये इसके साथ ही आ रहा है। तो ये हो गया हार्ड डिस्क। उसके बाद ये हो गया HDMI केबल। उसके बाद यहाँ पे BNC और पावर सप्लाई का कनेक्टर। उसके बाद देखिए, वायर भी मिला है साथ में, ये 30 मीटर का वायर है, ये सीसीटीवी वायर है। उसके बाद ये हो गया DVR, तो इसी में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ये हो गया हिक विजन का टर्बो HD DVR, देखिए पूरा सील है। और एकदम नीचे यहाँ पे ये हो गया इनवॉइस। तो यहाँ पे दाम लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप खुद दाम देख सकते हैं। तो इतना ही है बॉक्स में, और कुछ नहीं है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिला। ये हो गया DVR, ये हो गया कैमरा, देखिए कैमरा भी सील है। ये हो गया पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, HDMI केबल, BNC एंड पावर कनेक्टर, और ये वायर बंडल जिसमें ये जो DVR है और जो ये कैमरा है, इसमें आपको 2 ईयर का वारंटी मिलेगा। और जो हार्ड डिस्क है और जो पावर सप्लाई है, इसमें 1 ईयर का वारंटी मिलेगा। तो सीसीटीवी इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले चलिए कैमरा को ही देखते हैं। तो ये हो गया कैमरा, देखिए हिक विजन का टर्बो HD आउटडोर बुलेट कैमरा। तो चलिए कैमरा को अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये हो गया कैमरा, ये आउटडोर कैमरा है, तो इसको बुलेट कैमरा बोला जाता है। चलिए इसको निकालते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया हिक विजन का आउटडोर बुलेट कैमरा। तो यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं IR लाइट्स है, मतलब इसमें नाइट विजन भी है। रात में जितना भी अंधेरा हो आप इससे साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया माउंटिंग प्लेट, यहाँ पे स्क्रू लगाना है और इसको आप वॉल पे माउंट कर सकते हैं, एकदम आसान है। और जो ये कनेक्टर है, ये वायर है, देखिए ये वाला BNC और ये वाला हो गया पावर इनपुट, यहाँ पे पावर देना है। तो उसके बाद देखते हैं क्या है, 3 स्क्रू है इसको लगाने के लिए। उसके बाद कहाँ पे ड्रिल करना है, ड्रिलिंग टेम्पलेट है। तो इतना ही है इसमें। तो ये हो गया आउटडोर कैमरा, लेकिन अगर आपको इनडोर कैमरा चाहिए तो वो भी है। ये हो गया इनडोर कैमरा, इसको डोम कैमरा बोला जाता है, देखने में ऐसा होता है। तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया डोम कैमरा, ये इंडोर कैमरा है, ये ऐसे रहता है। यहाँ पे भी इंफ्रारेड लाइट्स है, मतलब नाइट विजन है इसमें। तो आप अपने हिसाब से इंडोर या आउटडोर आप ले सकते हैं, नहीं तो दोनों ही ले सकते हैं। तो कैमरा हो गया। तो अभी चलिए देखते हैं पावर सप्लाई को, इसी से कैमरा में पावर जाता है। सबसे पहले ये हो गया एक पावर कोर्ड मिला है, उसके बाद ये हो गया पावर सप्लाई, यहाँ पे ये पावर लगाना पड़ेगा इसको, पावर कोर्ड को। और ये वाला जो प्लग है, ये आपके वॉल सॉकेट पे चला जाएगा 220 वोल्ट का, और यहाँ से कैमरा में आपको पावर देना होगा। उसके बाद देखते हैं DVR को। तो ये सील है, चलिए इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। उल्टा खोल लिया मैंने। तो ये देखिए, ये हो गया हिक विजन का DVR। ये देखिए, व्हाइट कलर में है,
ये मेटल का है, ये लग रहा है प्लास्टिक का लेकिन मेटल का है। ऊपर में लिखा है ब्रांड का नाम हिकविजन। ये 4 चैनल का डीवीआर है। यहाँ पे आपको 4 कैमरा लगाना पड़ेगा। ये हो गया बीएनसी इनपुट। यहाँ पे 2 USB पॉइंट है। यहाँ पे माउस भी लगा सकते हैं, नहीं तो वाईफाई अडाप्टर लगा सकते हैं और इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। लैन पोर्ट भी है। ये हो गया पावर इनपुट। उसके बाद यहाँ पे VGA भी है, आप अपना मॉनिटर इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI भी है, अपने घर का LCD TV नहीं तो LED TV को कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका मॉनिटर में HDMI इनपुट है तो वो भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अभी क्या करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क जो दिया था ये वाला हार्ड डिस्क इसको डालना पड़ेगा, वो करेंगे। उससे पहले दिखा देता हूँ और क्या क्या है। तो DVR का बॉक्स में ये हो गया अडाप्टर, ये पावर देने के लिए DVR को। उसके बाद ये हो गया हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए, ये डाटा केबल्स दिया हुआ है साथ में। उसके बाद एक माउस भी दिया हुआ है, ये हो गया माउस, और ये हो गया स्क्रूज। तो DVR बॉक्स में इतना ही था। इसके बाद देखते हैं हार्ड डिस्क को। ये हो गया 500 GB का Seagate का हार्ड डिस्क, और देखिए ये पूरा सील है, एकदम नया हार्ड डिस्क है। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया 500 GB का हार्ड डिस्क। यहीं पे वीडियोस रिकॉर्ड होता रहेगा। तो ये रहा सभी चीज़ें एक साथ में। तो अगर आपको इतने सारे चीज़ देख के कन्फ्यूज़न हो रहा है तो चलिए इसमें से वायर्स को हटा देते हैं। अभी आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। आपको सिर्फ इतना ही चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा CCTV इंस्टॉल करने के लिए। ये हार्ड डिस्क चला जाएगा DVR में, और कैमरा का जो 2 वायर है, ये जो BNC है वो जाएगा DVR में, और ये पावर जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अभी हार्ड डिस्क को DVR के अंदर डाल देते हैं। तो DVR को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे स्क्रू है, चलिए खोलते हैं। तो मैंने स्क्रूज खोल दिए हैं, तो अभी इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए पूरा ओपन हो चुका है। DVR के अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक सर्किट बोर्ड है। तो हार्ड डिस्क को यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऐसे। हार्ड डिस्क को लगाने के लिए भी स्क्रूज दिया हुआ था। तो ये हो गया 4 स्क्रूज हार्ड डिस्क के लिए। तो हार्ड डिस्क को मैंने लगाया है ऐसे, और उसको उल्टा रहा हूँ अभी, और उसके नीचे देखिए यहाँ पे स्क्रूज को लगाना पड़ेगा। तो मिलते हैं स्क्रूज लगाने के बाद। तो स्क्रूज टाइट कर दिया है मैंने, और हार्ड डिस्क लग गया है। तो अभी बारी है ये डाटा केबल को लगाना। ये हो गया पावर केबल और ये डाटा केबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो थोड़ा सा लंबा है ये पावर के लिए, और ये जो छोटा है ये डाटा के लिए। तो इसका जो ये क्रोम वाला हिस्सा है वो ऊपर रहेगा। तो ये लग गया है, और ये आएगा DVR में, यहाँ पे चला गया। और इसका भी क्रोम वाला हिस्सा इस साइड में है। तो ये डाटा केबल लग गया है, अभी पावर का लगाना है पावर केबल। इसका जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा, और ये व्हाइट वाला पोर्शन जाएगा इस 4 पिन्स पे। तो देखिए लग चुका है। तो DVR में बस इतना ही काम था, हार्ड डिस्क लग गया है, अभी इसको बंद करना है, और स्क्रूज को अभी टाइट कर देते हैं। तो अभी DVR है रेडी। तो अभी DVR के साथ ये जो पावर अडाप्टर मिला था, इसका जो एंड पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ये पावर देने के लिए। उसके बाद एक जो माउस मिला था ये वाला, माउस का जो USB है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद जो HDMI केबल दिया था इसको भी डाल रहा हूँ यहाँ पे। और इस HDMI केबल का दूसरा हिस्सा जो है ये वाला, ये जाएगा आपका LCD TV पे, नहीं तो मॉनिटर पे। उसके बाद यहाँ पे BNC जो साथ में मिला था, ये वाला BNC इसको लगा रहा हूँ मैं। तो BNC भी लग चुका है, सब कुछ लग चुका है। लेकिन ये जो BNC है देखिए, जो कि ये कटा हुआ है, इसमें जो वायर का बंडल मिला था साथ में उसको लगाना पड़ेगा, और वायर बंडल का दूसरा हिस्सा जाएगा कैमरा पे। यहाँ पे भी और एक BNC दिया था, वो BNC को लगाना पड़ेगा ऐसे। कैमरा में ये है BNC का इनपुट, तो ये वाला हिस्सा जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे होता है कनेक्शन। और कैमरा में और एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, ये पावर देने के लिए, और पावर देने के लिए ये अलग से एक टुकड़ा मिला था, उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और इसका और BNC का दोनों का इस वायर में कनेक्ट हो जाता है। मतलब इस मोटे वायर के अंदर 4 वायर्स होंगे, तो 2 वायर होंगे पावर के लिए और 2 होंगे BNC के लिए। तो ये जो वायर बंडल है इसको मैंने छील दिया है, तो इसके अंदर 4 नहीं 5 वायर है। तो इसमें से ये जो ग्रीन वाला है ये ऑडियो के लिए है, ये ब्लैक और रेड पावर देने के लिए है, और ये वाला है BNC के लिए। तो अभी यहाँ पे BNC को कनेक्ट करता हूँ, और इसमें DC कनेक्टर को कनेक्ट करता हूँ। तो ये रहा BNC। BNC के अंदर के वायर को भी मैंने छील दिया है, तो यहाँ में से 2 निकला है। तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे इस मोटे वायर में, और ये हो गया पावर कनेक्टर। और इसका जो 2 वायर है, ब्लैक वाला जाएगा ब्लैक में और रेड वाला जाएगा रेड में। तो मैं आपसे मिलता हूँ इनको कनेक्ट करने के बाद। तो देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो अभी ये वाला जो BNC है वो जाएगा कैमरा का BNC में,
तो ये चला गया है। उसके बाद ये वाला जो पावर है ये जाएगा कैमरा के पावर इनपुट पे। तो एक साइड का रेडी है, एक कैमरा लग चुका है। तो अभी जो वायर बंडल है, वायर बंडल का दूसरा हिस्सा ये देखिए, दूसरे हिस्से में भी 5 वायर है। अभी इनको कनेक्ट करना पड़ेगा और एक बीएनसी से, और ब्लैक एंड रेड को लगाना पड़ेगा एसएमपीएस पे। तो चलिए वो भी करते हैं। तो ये देखिए वायर के दूसरे हिस्से में भी मैंने एक बीएनसी लगा दिया है, और अभी बारी है इस ब्लैक एंड रेड वायर को एसएमपीएस पे लगाना। तो ये रहा एसएमपीएस, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव लिखा हुआ है। देखिए प्लस मतलब रेड होगा और माइनस मतलब ब्लैक होगा। यहाँ पे स्क्रूज है और यहाँ पे वायर्स को डालना है। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है, और अभी इस बीएनसी को लगाना है डीवीआर में। तो अभी मैं इस बीएनसी को लगा रहा हूँ डीवीआर पे। तो सेटअप पूरा हुआ, पहला वाला कैमरा लग चुका है। तो अभी डीवीआर में एक मॉनिटर लगाना है और इसको ऑन करना है। तो अभी मैंने डीवीआर को यहाँ पे रखा है, एसएमपीएस को यहाँ पे रखा है, और ये हो गया एक मॉनिटर। तो मॉनिटर ये एचडीएमआई वाला है। तो डीवीआर से जो एचडीएमआई केबल का आउटपुट निकला है ये वाला, को लगा रहा हूँ अभी मॉनिटर के पीछे। तो मॉनिटर पे डीवीआर लग चुका है। तो अभी सभी को पावर देना है। जैसे कि इस स्विच बोर्ड में आप देख सकते हैं, ये वाला हो गया एसएमपीएस का, ये वाला हो गया मॉनिटर का, और ये हो गया डीवीआर का। तो 3 प्लग पॉइंट चाहिए। तो एक एक करके सभी को ऑन करता हूँ। पहला मॉनिटर, तो मॉनिटर ऑन हो गया है। अभी एसएमपीएस को ऑन करेंगे और डीवीआर को भी। तो सभी को मैंने ऑन कर दिया है, और कैमरा मैंने लगाया है इस पर्दे के पीछे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले अभी देखते हैं इसमें क्या आता है। तो यहाँ पे अभी एक्टिवेशन का स्क्रीन आया है। तो अभी जो भी होगा इस माउस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी ऑन स्क्रीन को फॉलो करना है और इसको एक्टिवेट करना है। यहाँ पे न्यू पासवर्ड देने के लिए बोला है। तो यहाँ पे कोई कीबोर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है, तो वहीं से आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है। तो अभी मैं कर रहा हूँ ओके। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला कैमरा आ गया है, और यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा है। मैंने खुद का ईमेल आईडी दे दिया है। तो अभी मैं कर रहा हूँ ओके। तो यहाँ पे बोला है द डिवाइस इज एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यस। तो ये जो स्क्रीन है इसको बाहर में राइट क्लिक करने से चला जाता है। तो यहाँ पे आप पैटर्न सेट कर सकते हैं। मैं दे रहा हूँ मेरा खुद का पैटर्न, दो बार करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेटिंग्स विजार्ड आ गया है। अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, अभी एग्जिट कर रहा हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोला है, यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट है, अप्लाई करता हूँ। फिर से नेक्स्ट आया है, टाइम वगैरह दिखाया है, नेक्स्ट किया। सभी कुछ नेक्स्ट करना है। अभी स्टेटस ऑफलाइन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी वाईफाई अडाप्टर नहीं है। तो अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ। फिर से नेक्स्ट, यहाँ पे हार्ड डिस्क का कैपेसिटी दिख रहा है, अभी नेक्स्ट करता हूँ। फिर से नेक्स्ट, उसके बाद ओके। तो अभी यहाँ पे बोला है नॉट ऑल लोकल एचडीडीज आर इंटीलाइज्ड, इंटीलाइजेशन विल इरेज ऑल डाटा ऑन द डिस्क, डू यू वांट टू इंटीलाइज द डिस्क। मैं बोलता हूँ यस। तो अभी सेटअप पूरा हुआ और रिकॉर्डिंग चालू है, जो कि मैंने यहाँ पे एक ही कैमरा लगाया है अभी, तो इसीलिए एक ही स्क्रीन आ रहा है। देखिए ये बाहर का नजर आ रहा है, और जो कैमरा है मैंने लगाया है यहाँ पे खिड़की पे, ये ऐसे ही रखा है मैंने, बाद में ठीक से लगाऊंगा। और बाहर का जो नजारा है वो सब आ रहा है। आप इस स्क्रीन को डबल क्लिक करके फुल स्क्रीन कर सकते हैं। देखिए अभी हो गया है फुल स्क्रीन। तो आपसे फिर से मिलता हूँ सभी कैमरा लगाने के बाद। अभी इन सीसीटीवी को इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के लिए आपको इस तरह का बॉक्सेस का जरूरत पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिकल शॉप में आसानी से मिल जाता है। ये जो बॉक्स है देखिए, इसको आपको दीवार पे नहीं तो सीलिंग पे लगाना पड़ेगा, और जो कैमरा है कैमरा को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और उसके बाद ये ऐसे फिट हो जाता है। ये हो गया इंडोर कैमरा। ये जो आउटडोर कैमरा है इसको भी आप ऐसे लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको लगाने का प्रोसेस। कैमरा को इंस्टॉल करूंगा। देखिए मैं रेडी हूँ। ये रहा बॉक्स, इस बॉक्स को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो नेल्स ऑलरेडी डाल दिया है, और नेल्स को हथौड़ा से मैं अभी यहाँ पे ठोकूंगा। तो देखिए ये लग चुका है बॉक्स, और ये बीएनसी, ये पावर, ये सब अभी अंदर जाएगा। उससे पहले जो कैमरा है ये, उसको कनेक्ट करेंगे बीएनसी को बीएनसी से, और पावर को पावर से, और ये बीएनसी, ये पावर, ये सब अभी अंदर जाएगा। तो अभी यहाँ पे स्क्रूज डालना है और इसको टाइट करना है। तो देखिए कैमरा इंस्टॉल हो गया है, और मैंने खुद किया है, और आप भी इस तरह से खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 4 कैमरा इंस्टॉल कर दिया है, और देखिए एक गैरेज में दिया है, एक आउटडोर में, और 2 इंडोर पे दिया है मैंने।
तो इसी तरह से आप अपने घर पे सीसीटीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और फिलहाल बहुत ही कम दाम में मिल रहा है। तो ये जो फुटेज है, अभी दिन का समय है, दिन का फुटेज है और इसमें नाइट विजन भी है, मैंने बोला था, तो नाइट विजन का फुटेज भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया नाइट का फुटेज और बाहर में थोड़ा सा भी रोशनी नहीं है, फिर भी साफ साफ दिख रहा है। और रूम का लाइट भी मैंने ऑफ करके रखा है, तो जितना भी अंधेरा हो ये कैमरा सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड करता है। तो इस DVR को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से कहीं से भी देख सकते हैं और दुनिया के कहीं से भी। उसके लिए आपको हिकविजन का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इस DVR को ऑनलाइन करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन अगर मैं इस वीडियो में दिखाने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। तब तक आप इस CCTV को खरीद कर इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है और आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ ठीक से समझ आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको काम का लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के यूजफुल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।